इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये इस्तेमाल तो बाज़ बस्तियों में लोगों के लिए इतनी बड़ी ज़हमत बन जाता है, और हमारे जो उलमा हज़रात हैं उनको सच्ची बात है इसका एहसास ही नहीं होता कि किसी को ईज़ा देना, किसी को तकलीफ़ पहुँचाना ये कितना बड़ा जुर्म है, यानी नाकाबिले माफ़ी जराइम में से है। तो अज़ान के लिए लाउड स्पीकर को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लाउड स्पीकर मस्जिद में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसकी आवाज़ हर हाल में मस्जिद के अंदर रहनी चाहिए। बाहर के लोगों को डिस्टर्ब करना, किसी मरीज़ को तकलीफ़ पहुंचाना, किसी कमज़ोर और बूढ़े आदमी को तकलीफ़ पहुंचाना, किसी तालिबे इल्म को माने हो जाना कि वो अपनी तालीम की तैयारी कर सके, ये कोई मामूली दर्जे का जुर्म नहीं, ये कबीरा गुनाह है लोगों को ईज़ा देना। इससे बचना चाहिए हर आदमी को। इससे